तो आपको एक रेफरेंस कोड मिलेगा, आप उस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक मंथ का फ्री मिल जाएगा फिर से। आप अपने वाईफाई नेटवर्क से मैक्सिमम 20 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सेटअप बॉक्स से जो है 5 टीवी को भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ तुम्हारा फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में तुम जानने वाले हो अपने घर में वाईफाई कैसे लगवाएं, यानी कि अगर तुम अपने ऑफिस में, घर में या फिर कहीं पे भी जो है जियो फाइबर लगवाना चाहते हो तो तुम कैसे लगवा सकते हो। क्योंकि मैं खुद जो है पिछले एक मंथ से भी ज़्यादा हो गया मैं जियो फाइबर को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कैसे जियो फाइबर लगवाया था, मैंने कौन सा प्लान चूज़ किया था एंड मैं अभी मंथली कौन सा प्लान रिचार्ज करता हूँ और अभी तक का मेरा जियो फाइबर के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा है, सब कुछ इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो आ जाओ इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस कहानी स्टार्ट होता है आज से 1.5 से 2 महीने पहले। हमारे एरिया में जो है जियो फाइबर का कनेक्शन लग रहा था, तो जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट हो गया तो उन लोगों ने क्या किया, एक पोस्टर चिपका दिया जगह जगह पे, जिसको भी जियो फाइबर चाहिए वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और एक मंथ जो है कंप्लीटली फ्री मिलेगा। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया और मैंने उनको बोला कि हाँ भैया मुझे भी लगवाना है तो आप मेरे घर पर आ जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम कल आपके घर पे आते हैं। तो एक्चुअली ये जो है जियो का बुकिंग प्रोसेस है, आप ये बुकिंग जो है माय जियो ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरे दिन जो है वो मेरे घर पे आए। जब घर पे आए तो देखो मैंने तो इससे पहले कभी भी वाईफाई लगवाया नहीं था, ना तो जियो फाइबर लगवाया था, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी कि कौन सा प्लान लगेगा, क्या कुछ मिलेगा, सब कुछ आप थोड़ा डिटेल में मुझे बताओ। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पे दो प्लान है, पहला है 1500 रुपये का और दूसरा है 2500 रुपये का। 1500 रुपये में क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको राउटर मिलेगा, ठीक है, सिर्फ आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो है 2500 रुपये वाला प्लान, उसमें क्या है कि आपको राउटर तो मिलेगा ही और साथ में आपको एक सेटअप बॉक्स मिलेगा, 4K सेटअप बॉक्स, जिसके थ्रू आप अपना टीवी भी देख सकते हैं। उसमें 554 ऐसे चैनल्स कुछ बताया, समथिंग उन्होंने बताया था मुझे, एक्चुअली याद नहीं है कितना चैनल बताया था बट ऐसा ही कुछ बोला था 500। तो ऐसा चैनल मिलेगा और आपको एक राउटर मिलेगा जो कि राउटर का इंटरनेट से जो है कनेक्टेड रहेगा आपका सेटअप बॉक्स, ठीक है। ये 2500 रुपये वाला और 1500 रुपये वाला। अब यहाँ पे उन्होंने बताया था कि अगर आप एक मंथ तक यूज़ करते हैं तो ये कम्प्लीटली फ्री है और इसका स्पीड जो है 150 Mbps मिलेगा और 12 OTT प्लेटफॉर्म्स अभी आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे फ्री रहेगा सब कुछ। उसके बाद एक मंथ के अंदर आप यूज़ करते हैं और आपको अगर ठीक नहीं लगता है कि नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इसको रिटर्न करना है, तो 30 दिनों से पहले यानी एक वीक पहले आप जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कंप्लीट पूरा पैसा जो है आपको रिफंड मिल जाएगा आपके अकाउंट में विद इन वन वीक, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा एक मंथ यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे ठीक नहीं, अगर आप मुझे इसको कैंसिल करना है, तो यूज़ करने के बाद अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपका 1000 रुपये चार्ज कट जाएगा। अगर आपने 1500 रुपये का ले रखा है तो 1000 चार्ज कटेगा, 500 रुपये मिलेगा, और अगर 2500 रुपये का आपने लिया है तो 1000 कट जाएगा, तो आपको 1500 रुपये मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने जियो फाइबर लगवा लिया और अगर आपके कोई फ्रेंड फैमिली या फिर कोई रिलेटिव कोई और भी लगवाना चाहता है तो आप उनको रेफरेंस दे सकते हैं कि आपके थ्रू अगर वो लगवाते हैं तो आपको एक रेफरेंस कोड मिलेगा, आप उस कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एक मंथ का फ्री मिल जाएगा फिर से, ठीक है, जिसको रेफरल बोलते हैं। और यहाँ पे गाइस आप अपने वाईफाई नेटवर्क से मैक्सिमम 20 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सेटअप बॉक्स से जो है 5 टीवी को भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं। आपका दूसरा भी घर में टीवी है तो उसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो स्मार्ट या एंड्रॉइड टीवी होना चाहिए तभी वो कनेक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है 2500 रुपये या 1500 रुपये वाला जो भी आप प्लान लेते हैं आपको उसी समय पेमेंट करना पड़ेगा बुकिंग के टाइम में। जैसे ही उन्होंने बुकिंग कंप्लीट कर दिया उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि हाँ आपका जो है जियो फाइबर का बुकिंग कंप्लीट हो चुका है और आपको एक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा टाइमिंग के, हाँ इस टाइमिंग के बीच में जो है आपके घर में टेक्नीशियन आएंगे इसको फिट करने के लिए। तो मुझे नेक्स्ट डे का टाइम दिया गया था 1 से 2 बजे के बीच का, तो ठीक उस टाइम पर मेरे घर पर टेक्नीशियन आए एंड उन लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया कि घर से पोल कितना दूर है एंड कहाँ पे राउटर लगाना है और कहाँ पे टीवी का जो सेटअप बॉक्स लगाना है, सब कुछ उन्होंने देख लिया। एंड उसके बाद फिर उन लोगों ने क्या किया, उतना नाप के जो है वायर को कटिंग किया एंड कटिंग करने के बाद जो है उन्होंने जो फाइबर का केबल है उसको अच्छे से सफाई करके एंड उसके अंदर एक क्लिप लगा के
उसको जो है पोल में जाके कनेक्ट कर दिया, और जैसे कनेक्ट कर दिया एंड उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ वीडियो में दिख रहा है कि उन लोगों ने सीढ़ी पे चढ़ के उन लोगों ने कनेक्ट किया एंड बॉक्स को बंद कर दिया, वहाँ पे कोई काम नहीं था। एंड उसको उस वायर को खींच कर लेकर आए मेरे घर तक। घर पे लाने के बाद दीवार में बहुत अच्छे से उन लोगों ने क्लिपिंग कर दिया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्लिपिंग कितना अच्छे से उन लोगों ने कर दिया। एंड उसके बाद जो है उस वायर को लेकर आए, एक छोटा सा व्हाइट कलर का बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में ला के कनेक्ट कर दिया। एंड वहाँ से एक येलो कलर का वायर को जोड़ा, उसको भी केबल के थ्रू ही जोड़ा वहाँ पे, एंड उस येलो वायर को जो है लाके यहाँ पे राउटर में जोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद राउटर में एक वायर जोड़ा, उसको जोड़ के लाके उसको बोर्ड में कनेक्ट कर दिया। जैसे उसको लाइन ऑन किया, जैसे उसमें पावर सप्लाई किया, तो उसके बाद ये जो है ऑन हो गया है और मेरा वाईफाई जो है चालू हो गया। उसके बाद वहाँ पे उन लोगों ने कुछ सेटअप वगैरह किया अपने फ़ोन में, कुछ प्रोसेस होता है एप्लीकेशन वगैरह ओटीपी का, सब कुछ उन लोगों ने किया, ओटीपी सब कुछ सक्सेस हो गया। जब एक्टिवेट उसको कर दिया, उसके बाद जो है मेरे को बोला कि माई जियो ऐप में जाओ एंड फाइबर के अंदर जाके आप अपना फाइबर का नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट है, किसको कनेक्ट करना है, नहीं करना, सब कुछ ऑल टोटल आप वहां पे जो है कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक पीएनटी नंबर दिया, ठीक है, उसको एक्टिवेट किया, आपको साथ में एक पीएनटी नंबर भी मिलेगा, ठीक है। आप चाहे तो जो पहले वाला जो पीएनटी टेलीफोन जो होता है ना, आप वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने पीएनटी नंबर को जो है अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है जियो का, जिसका नाम है जियो ज्वाइन, ठीक है। तो उसके बाद उन लोगों ने मेरे फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दिया जियो ज्वाइन, और उसके बाद उस नंबर को वहां पे लिंक करवा दिया। तो वो जो पीएनटी नंबर है वो मेरे फोन से लिंक हो गया, और इस नंबर को मैं 5 मोबाइल फोन में जो है कनेक्ट कर सकता हूं एक साथ में, ठीक है। तो मैंने फिलहाल अभी अपने फ़ोन में ही रखा है इसको लिंक करके, और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मेरा फाइबर जो है चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने लगवाया था तो मेरे छत के ऊपर जो है वहाँ पे भी कॉर्नर तक लास्ट तक जो है बहुत अच्छा सा नेटवर्क आता था। बट उसके बाद क्या हुआ ना कि मैंने जब जैसे जैसे मैंने यूज़ किया, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जब वो फ्री वाला जब मैं यूज़ करता था तो उस टाइम गाइस बहुत अच्छा नेटवर्क आता था, बहुत अच्छा स्पीड आता था, क्योंकि वो 150 Mbps वाला था। लेकिन जो करंटली मैं रिचार्ज करवाता हूँ वो मैं रिचार्ज 399 का प्लस 18% जीएसटी। आप जो भी प्लान रिचार्ज करवाएंगे उसमें 18% जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअली मैं ना ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म देखता नहीं हूं, और ज्यादा मैं टीवी वगैरह देखता नहीं हूं, इसलिए मैं ज्यादा कॉस्टली करवाता नहीं, मुझे इंटरनेट से मतलब होता है, और 399 का मेरे लिए एनफ है, मेरे को अच्छा खासा डाटा मिल जाता है, मेरा काम भी हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे को टीवी ज्यादा देखना रहता है तो मैं 99 का या फिर और भी करता। इसका प्लान अगर देखोगे ना तो प्लान आपको वेबसाइट पर दिख जाएगा, बहुत सारा इसका प्लान है। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो 399 का प्लान है, 699 का प्लान है, 999 का प्लान है, 1499 का प्लान है, 2499, 3999, 8499, इन सभी का अलग अलग प्लान है, और इन सभी प्लान्स में अलग अलग स्पीड है और अलग अलग जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी मिलेगा। तो तुम जाके खुद से इसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से क्या कुछ कर सकते हो। अब ओवरऑल मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है जियो फाइबर के साथ में, तो देखो जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था तो उस समय इसका नेटवर्क भी सही था और इसका सब कुछ मुझे सही लगता था, इसको इसका जो वो ऐप है जियो ज्वाइन वो भी प्रॉपर वर्क करता था। फिर कुछ टाइम जब मैंने 20-25 दिन यूज़ किया ना, मैं लिटरली कह रहा हूँ मतलब इंटरनेट फिर भी ठीक है यार, देखो 150 Mbps मुझे फ्री में मिला था, बाद में मुझे 30 Mbps मिलता है। मैं मानता हूँ कि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बट लेकिन कभी कभी ना थोड़ा सा ग्लिच भी होता है इंटरनेट में, ठीक है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। लेकिन लिटरली गाइस मैं दिल से एक बात कह रहा हूँ, ये जो जियो ज्वाइन ऐप है ना, मैं इससे 100% डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा कॉल ड्रॉप होता है, बहुत ज़्यादा इसमें ग्लिच होता है, इसमें रिंग होता है, पता ही नहीं चलता कभी कभी। मैंने 2-3 बार इसके लिए कंप्लेंट किया, फिर भी कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, उन्होंने बोला अनइंस्टॉल करो, इंस्टॉल करो, सब कुछ मैंने करके देख लिया, फिर भी इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम रहता ही है इसमें, ठीक है। मैंने फिर भी बोला कि चलो जाने दो यार, क्या कर सकते हैं, जाने दो, जियो का ऐप है, जो मैंने वही कर रहा है। तो अभी जो है मैं बस इसका ऐप मुझे सही नहीं लगा, और इंटरनेट भी थोड़ा सा कभी कभार मतलब ठीक है, काम चलाने के लिए ठीक है, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है और इस तरीके से मैंने लगवाया था। तुम चाहो तो माई जियो ऐप के अंदर भी जाके इसको बुकिंग कर सकते हो, और माई जियो अपने और सॉरी जियो फाइबर जो अपने घर में लगवा सकते हो। अगर कोई चीज़ें समझने में या कोई भी प्रोसेस तुमको समझ नहीं आ रहा है या किसी चीज़ का डाउट है तो तुम नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करने का, और अगर तुम्हारा कोई जेन्युइन सवाल हुआ तुम्हारे ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। और हाँ सर, तुम्हारे लिए और भी ऐसे दो वीडियोस का यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, जो भी तुमको पसंद है पता है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।